हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम आप लोग को मशीन के बारे में बताएंगे, मशीन में क्या क्या पार्ट्स आपको यूज होता है जो कॉमन ख़राब हो जाता है, आप मार्केट से ले जाते हैं उसको कि हम अपने लगा के ठीक कर लेंगे। बहुत से ऐसा पार्ट्स है, नॉर्मल पार्ट्स है जो आप भी यूज करते हैं, आपको आवश्यकता पड़ता है लेकिन आप उसका नाम के बारे में आपको नहीं मालूम पड़ता है कि इसका क्या नाम है, इसलिए दुकानदार से आपको उसका पार्ट्स का नाम बोलने में हिचक होता है कि इसको हम क्या कहें, तो आपको मालूम नहीं है होता है तो आप बोलते हैं कि थोड़ा मशीन दिखाइए, हम ये दिखाते हैं। उसी के बारे में हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं कौन पार्ट्स को क्या नाम से बोला जाता है, ताकि दुकानदार भी आपको वो पार्ट्स तुरंत निकाल के दे सके, आपको भी हिचक ना हो कि इसको हम क्या कहें। तो आइए जानते हैं मशीन में जो साधारण पार्ट्स है जो डेली यूज होता है, डेली ख़राब होता है, उसके बारे में आपको हम जानकारी देने के लिए आज वीडियो बना रहे हैं। हमारा वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा किस पार्ट्स का क्या नाम है, अगर अधूरा छोड़ दीजिएगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत देखते हैं फुल देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं आज मशीन के पार्ट्स का कुछ नाम ऐसा है जो हम डेली यूज करते हैं, ख़राब हो जाता है, उसको खरीद के लाते हैं और अपनी यूज करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पार्ट्स का क्या नाम होता है। तो सबसे पहले देखिए जो मशीन, ये मशीन है, इसमें जो पार्ट्स लगता है जो साधारण फेस प्लेट बोला जाता है, तो फेस प्लेट ये हमारा होता है जो मशीन के सामने में लगा रहता है, ये फेस प्लेट है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा टेंशन सेट लगा रहता है जो सूता को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा दोनों प्लेट है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपका सिलाई में डिफेक्ट आता है, तो इसको फेस प्लेट बोलते हैं। और ये जो लगा हुआ है इसको टेंशन सेट बोला जाता है। सेट का मतलब है इसमें तीन ठो पार्ट्स ऐड है, जैसे डिश है, स्प्रिंग है, नॉट है और टेंशन रॉड है, चार सेट से बना हुआ है जो सूता को कंट्रोल करता है। अब आइए जानते हैं ये हमारा नीडल प्लेट है। नीडल प्लेट क्या होता है कि अगर ये सुई से मार हो जाता है तो ये फट जाता है, जिसमें धागा फंस के और सूता आपका काटने लगता है, तो आप भी मार्केट से ले जाके लगा सकते हैं। ये स्लाइप प्लेट बोला जाता है जो ये पत्ती टूट जाने से भी ख़राब हो जाता है, तो आपको इसके बारे में मालूम नहीं तो आप मशीन बोलते हैं थोड़ा दिखाइए हम बता रहे हैं, तो इसका नाम है स्लाइप प्लेट। ये है शटल, जो साधारण सब जानता है कि ये शटल है, शटल इसका नाम है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपका सिलाई ख़राब करने लग जाता है, इसलिए इसको न्यू लगाया जाता है। ये है बबिन केस, इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे फिर भी हम बता दे रहे हैं, इसका नाम है बबिन केस। ये है प्रेशर फुट, इसका काम है जो कपड़ा को चाप के रखता है, अगर ये गड्ढा हो जाता है या स्प्रिंग खराब हो जाता है तो आपका सिलाई में भी डिफेक्ट आने लगता है, पूरा स्ट्रेट सिलाई नहीं होता है, टेढ़ा होने लगता है। ये है बबिन, जो धागा इसमें भर्ती किया जाता है। और ये है जो सुई रॉड, हमारा जो अप डाउन होता है उसका, ये है लिंक, इसको बोला जाता है लिंक, इसमें ये स्टॉड भी बोला जाता है, जो इसमें पुश रहता है, इसमें हमारा सुई डंडी लगा रहता है और अप डाउन कराता है, तो इसको हम लिंक बोलते हैं। अब आइए छोटा मोटा पार्ट्स के बारे में भी आपको बता रहे हैं। देखिए ये ट्रे है, ट्रे में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो पार्ट्स का नाम आपको बता दे रहे हैं। ये है बॉबिन वाइंडर, ये बॉबिन वाइंडर कहाँ लगता है, जो यहाँ हमारा धागा भर्ती किया जाता है उसका सहायक ये है, ये रबर नहीं रहने से आपका ये भी फिरकी नहीं चलेगा और धागा नहीं भर पाएगा, तो इसको बोला जाता है बॉबिन वाइंडर रबर। ये है हमारा डिश, जो टेंशन डिश है, जो धागा को कंट्रोल करके छोड़ता है, इसको डिश बोला जाता है। ये है कैरियर पत्ती, कैरियर पत्ती क्या होता है कि ये हमारा टूट जाने से आपका धागा काटने लगता है, इसलिए इसको चेंज किया जाता है, इसका नाम है कैरियर पत्ती। और ये हमारा है टेंशन स्प्रिंग स्क्रू, अगर स्प्रिंग खराब हो जाता है, ये दब जाता है तो हमारा सही दबाव नहीं आता है टेंशन डिश पर, तब वो ख़राब सिलाई देने लगता है, तो इसका नाम है टेंशन स्प्रिंग। इसका नाम है चाप स्क्रू,
अगर इन केस खराब हो जाता है तो ये मार्केट से लाके आप भी लगा सकते हैं। ये है टेंशन नॉट। ये क्या होता है कि रॉड अगर खराब हो जाता है तो स्लिप हो जाता है, जिसके वजह से आपका मशीन का सिलाई खराब आने लगता है। और ये पार्स है टेंशन रॉड, ये सूता से घाई बन जाता है या कट जाता है तो आपका सही कंट्रोल सूता नहीं आता है, अप डाउन होने लगता है, तो इसका नाम है टेंशन रॉड। इसका नाम है चुटकी। इसका काम क्या है, ये हमारा सुई को बांध के रखता है। अगर ये भी खराब हो जाता है तो हमारा सुई ढीला होने लगता है और सुई टूटने लगता है। तो आपको भी जब भी आवश्यकता पड़े इसका नाम है चुटकी, ध्यान रखिएगा। ये चुटकी है जो हमारा सुई को बांध के रखता है। अब आते हैं, ये झूला गोली बोला जाता है, जो नीचे का है रूलर बोला जाता है, जो हमारा कैरियर रॉड को घुमाता है, इसका नाम है झूला गोली। ये है चिमटा स्क्रू। चिमटा स्क्रू क्या होता है, जो नीचे में हमारा दांत को खींचता है उसका स्क्रू है, इसको चिमटा स्क्रू से जाना जाता है। ये है टेपर चूल। टेपर चूल क्या है, या कनेक्टिंग चूल भी बोला जाता है, जो हमारा झूला को चलाता है। तो ये छोटा मोटा पार्ट देखने में है, लेकिन इसके बिना भी मशीन आपका खराब हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। ये है हमारा चाल गोली। चाल गोली का काम क्या होता है, ये आपका सिलाई छोटा बनने का, बड़ा करने का सहायक होता है। अगर चलते चलते ये घिस जाता है तो आपको मशीन में भी आवाज़ आने लगता है और सिलाई छोटा देने लगता है, जो कि बड़ा नहीं हो पाता है। तो इसका नाम है चाल गोली या चाल रूलर। ये है बबिन केस। अब बबिन केस, ये जो हमारा बबिन केस है, इसमें इसके ऊपर में पत्ती लगा रहता है। अगर ये पत्ती धागा से कट जाता है तो इसका सूता जो हम खींचते हैं वो सही आता नहीं है, कभी टाइट आता है कभी लूज आता है। तो उसके लिए ये बबिन पत्ती लेके इसमें अगर सेट कर दीजिएगा तो आपका पुराना बबिन केस भी ठीक हो जाएगा। तो इसका नाम है बबिन केस पत्ती। उसी प्रकार मशीन का बहुत नाम है, फिर आपको अगले वीडियो में हम बनाएंगे। आज तक इतना ही वीडियो बनाकर हम समाप्त करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना हमको प्यार देंगे हम भी आपको उतना ही प्यार देंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।